नगर निगम के अंदर एक ऐसे स्कूल के अंदर एक ऐसे भवन में जहाँ पर स्कूल भी चलता है, नगर शिक्षा अधिकारी का दफ्तर भी है। इसके अलावा आज हम दिखाएंगे एक हरुनगला का स्कूल जो काफ़ी जर्जर हालत में है। ऐसे 30-40 स्कूल तमाम शहरी क्षेत्र में किराए के मकानों में चल रहे हैं जिनके लिए भवन अपने नहीं हैं। हालत यह है कि बरेली नगर के अंदर नगर शिक्षा अधिकारी के बैठने के लिए, उनके स्टाफ को बैठने के लिए दफ्तर तक मुहैया बेसिक शिक्षा विभाग नहीं करवा पाया है। जहाँ करोड़ों के वेतन निकलते हों बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के, कर्मचारियों के, लेकिन उसके लिए आज नगर क्षेत्र में अपना दफ्तर भी मयस्सर नहीं है। हम दिखा रहे हैं कालीबाड़ी के इस स्कूल के अंदर कैसे चलता है बेसिक शिक्षा अधिकारी के नगर शिक्षा अधिकारी का दफ्तर, कैसे बदहाली में बैठता है स्टाफ। इसके बाद हम आपको ले चलेंगे हरुनगला के स्कूल में, सुनवाएंगे शिक्षकों की बात, कर्मचारियों की बात, और बाद में बात करेंगे नगर शिक्षा अधिकारी देवेश राय से कि आखिर इन समस्याओं के हल के लिए उनके स्तर से क्या हुआ है प्रयास। काव काव लखनऊ के लिए मैं बरेली से संजीव गंभीर। आपको नगर शिक्षा अधिकारी का दफ्तर नगर निगम में कभी ये 2 मंजिल छत पर चलता था, भवन टूट गया, दफ्तर नीचे स्कूल के अंदर ही बरामदे में शिफ्ट कर दिया गया है। हम दिखा रहे हैं स्कूल के अंदर एक बरामदा जिसमें है दफ्तर, नगर शिक्षा अधिकारी का दफ्तर, कंप्यूटर सामान, बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। अभी तक नगर शिक्षा विभाग, नगर शिक्षा अधिकारी के लिए कोई दफ्तर तय नहीं हुआ है। हालांकि नगर निगम में तमाम दफ्तर अलग अलग भवनों में शिफ्ट कर दिए गए हैं और इस स्कूल को समेट दिया गया, इस दफ्तर को समेट दिया स्कूल के बरामदे में। रास्ता तक नहीं निकल, देखिए बरामदे में बैठा है स्टाफ और रास्ता तक नहीं है निकलने का। मानी बड़ी बदहाली के बीच में न केवल स्कूल बल्कि नगर शिक्षा अधिकारी का दफ्तर भी नज़र आ रहा है, आप कैमरे की नज़र से देख भी रहे होंगे। महेंद्र जी, आप नगर शिक्षा अधिकारी दफ्तर में किस पद पे हैं? वरिष्ठ सहायक। आपके दफ्तर को इधर शिफ्ट कर दिया, क्या आपने कोई नगर निगम से भवन नहीं मांगा था? बढ़िया कोई भवन मांगा था लेकिन उन्होंने देर इंतजार कर दिया और कहा कि का नाम अभी बिल्डिंग दूसरी जगह अपने शिफ्ट कर लीजिए, ऑफिस उसके बाद जो हमारी बिल्डिंग तैयार हो जाएगी तो हम कोई बिल्डिंग आपको दे दी जाएगी। थैंक यू। बरेली में नगर क्षेत्र के एक ऐसे विद्यालय में जिसका नाम है पूर्व माध्यमिक विद्यालय हरुनगला, किसी ज़माने में ये स्कूल अभूतपूर्व स्कूल माना जाता था बरेली शहर का, शहर से सटी हुई आबादी है और आज भी यहाँ पर पठन पाठन का माहौल है, लेकिन विभाग की इस लापरवाही की वजह से आधा भवन जर्जर यानी खंडहर में तब्दील हो चुका है, उनके लिंटर गिर चुके हैं जिनमें नए कमरे बनाने की ज़रूरत है। 2-3 कमरों में पूरा जूनियर हाई स्कूल सिमट गया है, बच्चों की संख्या भी लगातार शायद इसी वजह से कम भी हो रही है। आइए हम दिखाते हैं इस स्कूल के अंदर की हालात और बात करेंगे कुछ शिक्षिकाओं से, कुछ बच्चों से भी। शहर के कुछ खास स्कूलों की असल तस्वीर, हम मौजूद हैं इस वक्त हरुनगला के एक स्कूल में, जूनियर हाई स्कूल, किसी ज़माने वाला नामचीन स्कूल हुआ करता था हरुनगला जूनियर हाई स्कूल। यहाँ के मास्टर सलीम आदिल खां को आज भी लोग याद करते हैं और आज इस हालत, स्कूल की हालत कितनी जर्जर है जिसके तरफ महकमे का कोई ध्यान नहीं है, शिक्षा महकमे का हम दिखा रहे हैं असल तस्वीर इस स्कूल की। प्रधान अध्यापक कक्ष हुआ करता था ये, यहाँ बैठते थे हेडमास्टर। आज उगी हुई है झाड़ियाँ, छत नहीं है प्रधान अध्यापक कक्ष की। इसके अलावा और कमरे भी हम दिखा रहे हैं, ये स्टाफ कक्ष था, स्टाफ बैठता था, आज यहाँ भी छत नहीं है, झाड़ियाँ उगी हुई हैं, सांप बिच्छू मंडराते हैं और ये पूरा भवन जर्जर हो गया है, पूरा खंडहर में तब्दील हो गई है पूरी बिल्डिंग। भंडार कक्ष में ताला पड़ा है, अंदर भरा है मलबा और जिन 2-3 कमरों में स्कूल सिमट के रह गए वो भी हम आपको दिखा दें, चल रहे हैं कैमरे की नज़र से। स्टाफ है, बच्चे भी हैं, लेकिन वो रौनक नहीं है जिसके लिए स्कूल की अलग एक पहचान हुआ करती थी। लालच मनुष्य का शत्रु है, ये दीवारें बताती हैं बच्चों को, और जूनियर हाई स्कूल भले दीवारों पर मिड डे मील का जिक्र, पढ़ते हुए इस क्लास में बच्चे तल्लीनता से, और एक कमरा हम दिखा रहे हैं जो बच्चों की लाइब्रेरी का कमरा है
और यहाँ का भी हाल आप पूरा देख रहे होंगे। फायर के इंतजाम मतलब तैयारियां भरपूर, और अतीत इस विद्यालय का बहुत शानदार ये कार्यालय कक्ष हम दिखा रहे हैं, और दोपहर के करीब 12:15 बजने वाले हैं। हम इस स्कूल में खड़े होकर कमेंट्री कर रहे हैं, आपको हालात दिखाने जा रहे हैं। ये कक्षा 6 जिसे पढ़ते हुए बच्चे देखिए, बहुत अनुशासित बच्चे हैं इस विद्यालय के, लेकिन बच्चे कम ही बच्चे हैं। किसी जमाने में जबरदस्त लाइन लगी रहती थी। बेटी क्या नाम है आपका? खुशी है। खुशी, खुशी तुम्हारा क्या नाम है? सनोवर। कैसा लगता है स्कूल में? अच्छा लगा। मैडम पढ़ाती बढ़िया? देखिए बहुत अच्छे बच्चे तस्दीक कर रहे हैं इस बात को कि पढ़ाई के मामले में स्कूल आज भी अव्वल है, और मैडम पढ़ाती हैं, और इस क्लास में भी कुछ बच्चे बैठे हैं। क्या नाम बेटा तुम्हारा? मोहम्मद साहब। अच्छा लग रहा है स्कूल में? खाना मिलता है? मिड डे मील मिल रहा है? ठीक, देखिए खाना भी मिल रहा है। ये बच्चियाँ बैठी हुई हैं, लेकिन सब बच्चे अपना सबक याद कर रहे हैं जो मैडम ने बताया है। क्या नाम बेटी आपका? रचना। रचना कैसा लगता है स्कूल में? अच्छा लगता है। रोज आती हो? कौन से क्लास में हो? 7th क्लास के बच्चे हैं, और एक कमरे में हम आपको लेके चल रहे हैं। देखिए घंटा है, क्लास 8th है। क्या नाम बेटी आपका? शीतल। शीतल रोज आती हो? कौन से क्लास में हो? 8th में। कैसा लगता है स्कूल में? अच्छा लगता है। खाना मिलता है? यस। मैडम अच्छा पढ़ाती हैं? देखिए बच्चों की गवाही, लेकिन बच्चों की संख्या आज पता नहीं किन कारणों से कम है। आज 12 वफात बताई जा रही है, हाँ, तो इसलिए आज मुस्लिम बच्चे कुछ कम आए हैं। इधर आइए मैम। क्या नाम है आपका? सुनीता। ये कितने बच्चे इनरोल्ड हैं आपके क्लास वाइज? क्लास वाइज? हाँ सर, 8th में तो 28 हैं जी, और 7th में 39 और 25 6th में। अच्छा, स्टाफ कितने का है? स्टाफ यहाँ एक हेड है, 2 मैम हैं और 2 अनुदेशक हैं। जो अनुदेशक हैं, पहले से कुछ बच्चों की संख्या कम हुई है क्या? नहीं सर, बड़ी है। बड़ी है। पिछली बार 85 थे, इस बार 104 है। टाइमिंग क्या चल रही है स्कूल की? टाइमिंग 9 से 3। ठीक, थैंक यू। ये देखिए 2 और शिक्षिकाएँ हैं, और मिड डे मील की पूरी तैयारी भगवान तैयार है। ये रहा जूनियर हाई स्कूल, आधा हिस्सा खंडर में है। इसके सिलसिले में हम बात करेंगे, हम विभागीय अधिकारियों से बात करेंगे, और टीचर बता रहे हैं इस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए कई मर्तबा लिखा भी जा चुका है, नीलामी के लिए बोला है, लेकिन अभी तक हुई नहीं है। थैंक यू मैम। कब से हैं यहाँ पर? मुझे 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैम क्या नाम आपका? मैं अंजुम अफशा। अंजुम अफशा। अंजुम अफशा, कौन से क्लास में पढ़ाती हैं? मैं 6, वैसे तो सभी तीनों क्लासें देखते हैं हम लोग सब्जेक्ट वाइज। अच्छा अच्छा। कितने साल की सर्विस हो गई? सर्विस तो बस रिटायरमेंट करीब आ गया सर। अच्छा अच्छा। कब, कई साल से यहाँ पर? यहाँ पे मैं हो गया 7-8 साल हो गए। सलीम भाई आपके समय भी रिटायर हुए होंगे? जी जी सर, वो तो अभी रिटायर हुए हैं जल्दी। देवेश सर, आपका हरुनगला स्कूल एकदम चौपट हो गया, भवन चौपट है। इसी प्रकार से नगर निगम कैंपस के अंदर भवन की हालत है, स्कूल और दफ्तर एक ही जगह शिफ्ट हो गया है। जसोली में एक अध्यापिका को हटा दिया गया है, वहाँ भी शिक्षकों की किल्लत हो रही, मारामारी हो रही, क्या है सर ये स्थिति पूरी? नगर क्षेत्र में 136 प्राथमिक विद्यालय हैं और 174 ही अध्यापक हैं। हम लोगों ने लगातार उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है, DM साहब को अवगत कराया है, CDO साहब को अवगत कराया है कि हमें छात्र संख्या के अनुपात में टीचर उपलब्ध कराए जाएं, लेकिन 2012 के बाद से अभी तक नगर में किसी भी प्रकार की टीचरों की भर्ती नहीं हो पा रही। दूसरे, हमारे यहाँ करीब 40 से अधिक विद्यालय किराए के भवनों में चल रहे हैं, जो जिनकी पूरी सूची बना के DM साहब को और कमिश्नर साहब तक जा चुकी है, और वहाँ से शासन तक गई इनकी मरम्मत करा दी जाए। इसी प्रकार से बहुत सारे हमारे विद्यालय हैं जहाँ पर कुछ बिल्डिंगों में इस तरह की स्थिति आई है, जिसकी भी सूचना हम लोगों ने दिया है। स्मार्ट सिटी के रूप में उन स्कूलों को भी चिन्हित करके दिया गया है कि वहाँ पर कुछ उसकी छतें वगैरह जो भी वहाँ पर क्षतिग्रस्त भवन है उसको सही कराया जाए। जसौली विद्यालय की जो बात आप कह रहे हैं, वहाँ पे टीचर का जो आदेश था वो मूल विद्यालय का था, तो मूल विद्यालय चले जाए वो आदेश भी निरस्त हो गया है, उसका आर्डर भिजवा दिया गया है, वो टीचर वहीं पर बनी रही है।
जसोली में, और वहाँ पर हमने एक एवीआरसी, दो एवीआरसी विज्ञान के और गणित के भी लगा दिए हैं, वो लोग भी वहाँ पर डे एक घंटा पढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से वहाँ पर करीब हमने 3 टीचरों की व्यवस्था कर दी। ये आदेश उनको कल ही मिल गया था। आपका निजी ऑफिस कहाँ बैठते हैं सर आप? हमारी तो ऑफिस नगर निगम में है, बारांदे में चल रहा है। हमारे नगर आयुक्त महोदय से बात हुई थी उस समय, उन्होंने कहा था कि जब तक बिल्डिंग नहीं बन जा रही है आप देख लो, और उसके बाद जब बिल्डिंग हमारी बन जाएगी तो हम उसमें आपके लिए 3 कमरे दे देंगे। और वहाँ पर बहुत सारी ऑफिसें इसी तरह से करकट में और इस तरह से ही संचालित हैं। भाई स्कूल चल रहा है भाई बरामदे में ऑफिस आपका? बरामदे में ही, हम भी वहीं पर बगल में आप देखे होंगे एक बरामदा है, वहीं पर बैठ रहे हैं। किसी तहसील देहात क्षेत्र का भी चार्ज है आपके पास? शेरगढ़ का, वहाँ भी बैठते होंगे? शेरगढ़ भी जाते हैं। अब आप देख रहे हैं कि आज ये प्रोग्राम लगा था, यहाँ पर रह गए, कल जाएंगे वहाँ पर, 3 दिन वहाँ का है। लेकिन जैसे ही अन्य विभाग बुलाते हैं, सुडियो साहब बुलाएंगे या बीएसए साहब बुलाएंगे, तो उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। थैंक यू। काव काव लखनऊ के लिए मैं बरेली से संजीव गंभीर।